बच्चों कुछ गड़बड़ ना होने पाए ध्यान देना, बस बैंक वाले एक बार सही वक्त पर आ जाए ना, फिर तो हमें सिर्फ तमाशा ही देखना है। वाह दीदिया, तुम्हारा रचा तमाशा मतलब एकदम लल्लन टॉप तो हो गई। बहू ये सब क्या है तुम्हारे हाथ में? ये देवर जी लेकर आए और मेरे हाथ में थमाकर खुद पूनम जी का राग अलापते हुए कमरे में चले गए। क्या हुआ दीदिया? अरे वाह पूनम जी, ये तो बहुत सुंदर कार्ड है भाई, इससे अच्छा तोहफा तो हो ही नहीं सकता। ओ पूनम जी, वो आपके अंग्रेजी में कहते हैं ना क्या, वेरी वेरी नाइस। हाँ वही, वेरी नाइस, वेरी नाइस तोहफा। अब माँ जी और बाबू जी तो खुश हो जाएंगे इसको देखकर। मैं तो ठहरा एक नंबर का बकलोल, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कपड़ों के सिवाय कि मैं क्या तोहफा दूं माँ बाबू जी को। हालांकि मैं देना तो ऐसा तोहफा चाहता हूँ जो वो जिंदगी भर याद रखे, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अम्मा भी मुझसे पूछ रही थी तोहफे के लिए कि क्या तोहफा देना है, तो मैंने तो अम्मा को बोल दिया कि भाई आपको जो अच्छा लगे जो सही लगे आप ले आइएगा। पता नहीं अम्मा क्या लाने वाली हैं। अरे देख क्या रहे, चलते समय सामने देखा करो, उठाओ ये सब। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, माँ जी को जो देना है उन्होंने सोच लिया है। अम्मा क्या देने वाली है पूनम जी? माँ जी ने हमसे कहा है कि बैंक वो आकाश वो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने जो कहा था तुम ले आए या नहीं? अम्मा आपने जितना भी सामान बताया था मैं सब ले आया हूँ, बस वो माँ और बाबूजी का जो तोहफा है वो नहीं ला पाया। मैं बस उसी के बारे में सोच रहा था कि इतनी देर में पूनम जी ने मुझे बताया कि आपने कुछ सोचा है माँ बाबूजी के तोहफे के लिए। हाँ माँ जी, हम आकाश को यही बता रहे थे कि आपने बहुत ही सोच समझ कर माँ पापा के लिए वो बैंक। अब प्रार्थना आ गई। अरे सोच क्या रही हो, चलो प्रार्थना के लिए तैयारी करनी है, नहीं तो बिना आरती के ही चली आएगी। और तुम देख क्या रहे हो, अपना ये हुलिया ठीक करो और जो तुम कपड़े लाए हो ना समधी समधन जी के लिए वो उन्हें दे देना और कहना कि तुम उनके लिए लाए हो। प्रार्थना और सुधीर जी के स्वागत के वक्त वो पहन लेंगे, ठीक है? जी अम्मा। जी नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। प्रार्थना आप दोनों आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप दोनों को देखकर तो मेरी खुशी दुगनी हो गई है। अरे प्रार्थना बेटा। अम्मा प्रार्थना सामा जी आप खुश रहिए, खुश रहिए। आइए आइए। नहीं 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 एक मिनट रुकिए आप लोग। पूनम बेटा जल्दी से आरती की थाली ले आओ। माँ जी ला। जीते रहो बेटा, कैसे हो? कैसे? प्रार्थना भैया कैसे हो?
कैसी है मेरी बिटिया? माँ को तो भूल ही गई तू। शादी के बाद कैसा चल रहा है? दामाद जी कैसे? तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? और बड़े शहर में कोई तकलीफ तो नहीं? खाने पीने का कैसे करती हो? खुश तो हो ना तुम? बताओ ना मैं। अम्मा बस बस, एक साथ कितने सारे सवाल पूछेंगी आप? बस सच कहूं, इन सब का ना बस एक ही जवाब कि जो दामाद जी है ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। और सच कहूं तो अम्मा, बहुत खुश हूँ सच। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है बेटा। मेरी भांजी आ गई। और मेरी प्यारी भांजी के लिए बच्चू मामा का तोहफा। देखो वहां बैठ के देखो। वाह मामा जी वाह, वैसे आपके शब्दों में कहूँ तो एकदम लल्लन टॉप। अरे सबके बीच में वो सरप्राइज तो भूल ही गए। बच्चों भूलना मत अपना सरप्राइज। वैसे कौन सा सरप्राइज अम्मा, बताइए तो। बताती हूँ, रुको। बच्चों जाकर उन्हें बुला लो। दामाद जी तो आपकी पसंद की साड़ी लाए हैं आपके लिए। और आप भी उनके दिए हुए कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अरे आप लोग अभी तक यहीं पे हैं? प्रार्थना और सुधीर जी नीचे आ चुके हैं, चलिए आइए। चलिए आइए। सुधीर जी और प्रार्थना के स्वागत के लिए कितनी अच्छी तैयारी की गई है ना। लेकिन ये तो सब ठीक है, पर बाकी घर वाले कहाँ हैं? बच्चू जी बाकी लोग कहाँ हैं? अरे बच्चू जी भी नहीं है, सब कहाँ चले गए? सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। जुग जुग जियो और जुग जुग ये जोड़ी बनी रहे। खुश रहिए बेटा, हमेशा खुश रहिए। समधि समदन जी, आपको सालगिरह मुबारक हो। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। हम जानते थे बेटा आपको हमारी शादी की सालगिरह याद होगी। खुश रहिए बेटा,
शादी की सालगिरह की आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बहन जी। आइए ना। माँ, बाबूजी, ये लीजिए जयमाला, एक दूसरे को पहना दीजिए। बेटा, जयमाला? हाँ, पहनाइए। लेकिन बहन जी, सब लोग कह रहे हैं तो पहना दीजिए ना। बाबूजी, लीजिए ना। हमेशा खुश रखे। हमारा तोहफा तो बाद में आएगा, हमने तो सिर्फ सोचा है, बाकी सब तो पूनम ने किया है। लेकिन अम्मा, आप बताएंगी कि वो तोहफा है क्या? अरे सरप्राइज है रे, तू चुप रहे। बहू, मेरे समधी समधन जी तुम्हारे भी तो माता पिता जैसे हैं, और तुम उनके लिए कुछ नहीं लाई? रहने दीजिए, अब इतना सारा कुछ तो दिया है आपने, इतना प्यार, इतना सम्मान, अब हमें और तोहफों की जरूरत नहीं। समझ में नहीं आ रहा है, कैसे धन्यवाद अदा कर पाएंगे आपका? कैसी बात कर रही है समधन जी, अपनों का धन्यवाद कैसा? बच्चों, मैंने वो काम कहा था वो किया तुमने? अच्छा, चलो आप देखते हैं। चिंता मत करो दीदी, तुम्हारा गिफ्ट पहुंचने ही वाला होगा, वो लोग आते ही होंगे। ठीक है ठीक है, ध्यान रखना और होशियार रहना। ठीक है। और हाँ, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा, अब आप चलो चलो। हाँ। लगता है माँ जी ने कोई बड़ा तोहफा मंगवाया है, सोचना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। वो तोहफा किसी भी हाल में पूनम के माँ बाप तक नहीं पहुंचना चाहिए। देखते हैं सासू माँ ने ऐसा कौन सा नायाब तोहफा मंगवाया है। जो भी है, ये अंदर तो नहीं जा पाएगा। अच्छा, तो आप लोग हैं? जी हाँ, हमें पूनम जी ने बुलाया है। पता है मुझे, सब पता है, लेकिन अब आप लोगों की जरूरत नहीं, आप लोग जा सकते हैं। जा सकते हैं मतलब? देखिए मैडम, हमारी पूनम जी से फोन पे बात हुई तभी यहाँ आए हैं। तो मैंने कब कहा कि आप लोग बिन बुलाए आए हैं? देखिए, हमने आपसे जो तोहफा मंगवाया था अब हमें नहीं चाहिए, हमने अपना इरादा बदल दिया है, और पूनम ने ही मुझे भेजा था कि मैं आप लोगों को वापस भेज दूँ। ये कन्नू कहाँ है बच्चा? कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, जाकर जरा देख लो। पता नहीं दीदी, आप, मैं अभी पता करता हूँ। मामा जी, कहाँ जा रहे हो? कन्नू दिख नहीं रही है, तू उसे देखने जा रहा हूँ। ये सब लोग बैठे हुए हैं, वो गायब हो गई है, ये कोई तरीका है? आप बैठिए, मैं लेकर आता।
देखिए मैडम, इतनी दूर से हमें बुलाया गया है, कम से कम एक बार उनसे बात तो करने दीजिए। कहा ना कि अब आप लोगों की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, हमें अंदर तो जाने दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। तो अब आप लोग जबरदस्ती करेंगे? नहीं जाने दूंगी। क्या करेंगे? एक औरत पर हाथ उठाएंगे? हमें आपसे बात नहीं करनी, आप प्लीज घर के मालिक को बुलाइए। मालिक? तो मैं क्या नौकर दिखाई देती हूँ तुम लोगों को इस घर की? अभी यहां से दफा हो जाओ, वरना छेड़खानी का इल्जाम लगाकर अंदर करवा दूंगी। समझ नहीं आ रहा है क्या? आ जाते हैं मुंह उठाकर, जाओ यहां से। तमीज कहीं के मालिक को बुला, समझ क्या रखा है इन्होंने? अभी आप यहां क्या कर रही हैं और इतने गुस्से में क्यों हैं? वो देवर जी, मैंने आपके सास ससुर के सालगिरह के लिए केक मंगाया था और वो कमबख्त अभी तक लेकर नहीं आए। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? भाभी कोई बात नहीं, वो आता ही होगा, बस आप अंदर चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लीजिए सासू माँ, अब आपकी तोहफे का तो मैंने कर दिया बनता धार, अब देती रहिए सरप्राइज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।